भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की शाम जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी मदरसा के समीप तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान बांका जिले के धोरैया प्रखंड ताहरपुर गांव निवासी संजय रजक की 35 वर्षीय पत्नी सुमन देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक महिला बाइक से अपने पति संजय रजक एवं बच्चे भवेश कुमार के साथ भागलपुर से अपने घर बांका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुरैनी मदरसा के समीप अचानक ट्रक की चपेट में आ गई, जिसके बाद आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना जगदीशपुर थाना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हादसे में महिला के पति एवं बच्चे को भी चोटें आई है, जिसका इलाज जारी है। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को सनहौला मोड़ चेक पोस्ट के पास से पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर कृषि कार्यालय परिसर में बुधवार से 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का शुभारंभ हो गया। मेला का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदारी में 50% की सब्सिडी दी जा रही है। डीएम ने कहा कि पूर्व में पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर किसानों को अनुदान दिया जाता था, लेकिन आवेदकों की संख्या में भी वृद्धि को देखते हुए इस वर्ष लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया गया है। इसके बाद जिला स्तरीय कृषि मेला में लगे स्टॉलों का डीएम ने निरीक्षण किया। मौके पर कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी और काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। देखिए, किसानों के बेहतरी के लिए लगातार राज्य सरकार और कृषि विभाग प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी है विभिन्न यंत्रों पर, और लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन सिलेक्शन किया गया है। पहले जो स्कीम थी कि पहले आओ पहले पाओ, वो इस बार बंद कर दी गई है, और 700 से ज़्यादा किसानों का चयन भी किया गया है। उनको 19 दिसंबर तक अपने डीलर से संपर्क स्थापित करके उन यंत्रों को खरीद लेना है, और सब्सिडी की राशि भी राज्य सरकार देगी। इसमें कई ऐसे यंत्र हैं, जैसे रीपर कंबाइंडर एवं अन्य कई आधुनिक यंत्र हैं, जिनसे जो फसल कटनी के बाद जो अवशिष्ट बच जाता है उसके भी प्रबंधन में सहायता होगी, बेहतरी होगी, ताकि किसान कभी कभी, वैसे भागलपुर में ये देखने को नहीं मिलता है, अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में हम लोग सुनते हैं कि फसल अवशिष्ट को लोग आग लगा देते हैं, उससे जहाँ एक तरफ जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता खराब होती है, उत्पादकता खराब होती है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो ऐसे यंत्रों के लिए भी सब्सिडी की विशेष व्यवस्था की गई है, जिनसे फसल अवशिष्ट का प्रबंधन किया जा सके। कई किसानों ने उसको ऑप्ट भी किया है। आगे भी इस तरह का आवेदन निकलता रहेगा, और आज 1,76,00,000 की जो सब्सिडी है वो 726 किसानों में चयन के बाद जब वो खरीद लेंगे तो सीधा डीलर्स को वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी किसानों से मेरी अपील है कि जिनका चयन हुआ है वो 19 दिसंबर तक निश्चित रूप से खरीद ले, नहीं तो फिर उनके बदले हम लोग फिर अगले नए किसानों का हम लोग चयन करेंगे। भागलपुर में बुधवार को जदयू कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ पैदल मार्च निकाला। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास ने किया। इस दौरान भाजपा भगाओ संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए जदयू कार्यकर्ता घंटाघर चौक से स्टेशन चौक तक मार्च करते हुए पहुँचे। जदयू कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में छेड़छाड़ कर रही है और इससे भारत के लोकतंत्र पर असर पड़ रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी ने कहा कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने में विफल रही है। भाजपा ने संविधान में अनुच्छेद 370 और 55A को खत्म कर भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने में प्रतिबद्ध है, जबकि जदयू के प्रदेश सचिव संजय राम
राम ने कहा कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरी करने में विफल रही है। भाजपा ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगी। मौके पर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, प्रदेश सचिव संजय राम, पूर्व नगर अध्यक्ष सुड्डू साई, जिला प्रवक्ता राकेश ओझा, अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष संजीव कुमार, प्रवक्ता शिशुपाल भारती, नगर अध्यक्ष राजा कुमार के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में आज संविधान बचाओ पैदल मार्च पार्टी ने निर्धारित किया है। इसी के तहत आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड के साथी सभी नेता घटनागढ़ चौक पर उपस्थित हैं। हम लोग अभी यहां से संविधान बचाओ मार्च पैदल मार्च स्टेशन अम्बेडकर साहब के स्टेचू तक जाएंगे, वहां माल्यार्पण करेंगे और केंद्र का पर्दाफाश करेंगे। वो जो केंद्र सरकार है संविधान में छेड़छाड़ करना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, इसके विरोध में हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं पूरे बिहार में। और वो जो काम कर रही है आज सारा उदाहरण है उनके पास में। आज आरक्षण के तहत आरक्षण को समाप्त करने का उनका आरएसएस का जो प्रमुख है मोहन भागवत जी, उन्होंने पहले ही कहा कि समीक्षा करेंगे। और आरक्षण तो संवैधानिक अधिकार है मेरा, इसलिए संविधान की रक्षा करना जनता यूनाइटेड का संविधान पर विश्वास है, आस्था है। जनता यूनाइटेड कभी भी संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। यही हाल का हम लोग घर चौक से स्टेशन चौक तक जाएंगे और बाबा साहब की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। अभी घंटाघर चौक पे सामाजिक संगठन के द्वारा ये निकाला गया है विशाल रैली, जो स्टेशन चौक से चलकर खलीफा बाग होते हुए घंटाघर होते हुए तिलकामांझी चौक तक जाएगा। उस जुलूस को भी हम लोग यहाँ पे अपना समर्थन और सहयोग किए हैं हमारे जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह जी के नेतृत्व में, जो अभी विशाल जुलूस स्टेशन चौक से निकल के तिलकामांझी तक जा रहा है। घंटाघर चौक पे हम लोगों ने उनको समर्थन और सहयोग किया है, वो आगे बढ़ा है और हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी यहाँ से अपना पैदल मार्च स्टेशन चौक तक करेंगे और प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और वहीं नुक्कड़ सभा भी करेंगे। बुधवार को पटना हाई कोर्ट के निकट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलों की माला चढ़ाई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने भजन कीर्तन के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित गीतों का गायन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त वाणिज्य कर और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी भी उपस्थित रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार चौबीस हबीब अकादमी
एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया भागलपुर चैप्टर द्वारा आयोजित दूसरा ईस्ट जोन फिजिशियन कॉन्फ्रेंस 8 से 10 दिसंबर तक होगा। इस कार्यक्रम के साथ साथ बिहार एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन द्वारा 33वां बापिकॉन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नौलखा परिसर में होगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश के बड़े चिकित्सक भाग लेंगे, जो मरीजों के इलाज में नवीनतम तकनीक और तरीकों का परिचय कराएंगे। 7 दिसंबर को नौलखा कोठी परिसर से साइकिल रैली भी निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर आम लोगों को इस सम्मेलन के लिए जागरूक करेगी।